नमस्कार। झारखंड में झारखंड उत्पाद अधिनियम बदलने के बाद नए उत्पाद अधिनियम के तहत जिन लोगों को थोक शराब बिक्री का लाइसेंस दिया गया था उस पर आज भी बवाल जारी है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में दो मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा शराब की बिक्री को लेकर बनाए गए नए नियमावली के ऊपर हुआ है, वहीं दूसरा PIL के तौर पर दर्ज की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इस नियमावली को बदलने से झारखंड सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है। आरोप है कि इस पूरे टेंडर में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। खैर, ये सारे आरोप तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। हम आपको पूरी सच्चाई कुछ इस तरह बताएंगे कि आपको इस पूरे घटने का हाल समझ में आ जाएगा। दरअसल आरोप है कि दो भाई इसमें मास्टरमाइंड है, पहले जोगिंदर तिवारी और दूसरे अमरिंदर तिवारी। आरोप के अनुसार कोलकाता से शैल कंपनियों से, शैल यानी डट कंपनियों से पैसे दुमका, मेहजामा और गोड्डा के पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में टेंडर से कुछ दिनों पहले ही रकम आ जाते हैं और फिर इन्हीं खातों से पैसे टेंडर के लिए डाले जाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जिन बैंक खातों में पैसे आते हैं उनका ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़ी रकम बैंकों से आकर और वापस चली भी जाती हैं, फिर भी आखिर बैंक रेड अलर्ट क्यों नहीं जारी करता। आरोप तो ये भी है कि जो टेंडर भरे गए हैं वो स्टाफ, ड्राइवर जैसे मामूली कर्मचारियों के नाम पर भरे गए हैं। ऐसे में इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इस मामले में शिकंजा कस सकती है। फिलहाल पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वैसे तो ये भी आरोप है कि इस घोटाले में बड़े बड़े और रसूखदार लोगों का हाथ है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में बीते कुछ दिनों पहले ही PIL हुआ है। सुनिए क्या कहा एडवोकेट राजीव कुमार ने। देखिए, झारखंड में दो तीन खेल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एक, उसमें से खेल जो है दारू का है। जो यहाँ की व्यवस्था है उसमें माफियाओं का खेल है, और माफियाओं में जो दो नाम अभी छन के आ रहा है जिनका ऑन रिकॉर्ड जो है सारा चीज़ है, वो है अमरिंदर तिवारी और जोगिंदर तिवारी, दोनों भाई हैं। इन्होंने 24 जिला में से 23.5 जिले का टेंडर होलसेल का अपने नाम से करवा लिया, और ये व्यवस्था की इनकी देन है, उनसे लेन देन है। और जब 2400 जिला में इनका एकाधिकार है तो हम लोगों ने PIL फाइल किया कि जो टेंडर दिया गया है, एक तो है कि जो अमेंडमेंट हुआ रूल का, और रूल अमेंड करने के बाद एक तरह से मोनोपोलाइज कर दिया गया, तो रूल को तो अलग से लोग चैलेंज किए हैं। हम लोगों का मेन चैलेंज है कि कलकत्ता से पैसा रूट होता है और तीन कंपनी के अकाउंट से यहाँ पे 2400 जिला में भरा जाता है उसका टेंडर। 10 तारीख के बाद पैसा डिपॉजिट होता है और वो भी तीन ही जगह, दुमका में, जामताड़ा में और मिहिजाम में, बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और पंजाब नेशनल बैंक में, और कोई नहीं। इन सारे अकाउंट से पैसा जो है तुरंत चला जाता है। जिस अकाउंट में पैसा आता है उस अकाउंट में पैसा न के बराबर रहा, यानी जीरो बैलेंस है और नहीं तो 2000-3000 है। 10 तारीख के बाद आता है और 26 तारीख के पहले, टेंडर खत्म होने के पहले ये पैसा निकल जाता है। ये बिल्कुल एक क्लियर कट खेल है यहाँ झारखंड में कि दारू को, यानी इंग्लिश लीकर को कैसे मोनोपोलाइज किया गया है, और मोनोपोलाइज करने वाले एक गजेंद्र सिंह है जो ज्वाइंट कमिश्नर है, और तीन कंपनियां हैं, शरण अल्कोहल, श्रद्धा रेलकॉम और विक्रम फाइनेंशियल मनीष कंपनी। ये ही तीन चार कंपनियां हैं जो पूरा खेल खेल रही है, और प्लस यहाँ की व्यवस्था है, और ये 4000 करोड़ का घोटाला है। इसी का लेके CBI जांच करने के लिए और हम लोगों ने PIL दायर किया है उमेश कुमार के पास। आपने बताया कि जोगिंदर तिवारी, अमरिंदर तिवारी, ये कौन है, इनका प्रोफाइल आपने बताया क्या, क्या है इनका प्रोफाइल? देखिए, अभी तक पता लगा है कि इनकी इनकी ही व्यवस्था रही है पूरे झारखंड में, दारू पे एकाधिकार है, और इनके जो भी नौकर है, इनके ड्राइवर है, इन्हीं के नाम से ये दारू का रिटेल शॉप लेते हैं,
और उन्हीं के नाम से ये टेंडर भरा जाता है। ये कंपनियां सभी जो है एक क्लोज नीट कंपनी है और हमारे यहाँ जो व्यवस्था में लोग हैं वो इनका संरक्षण देते हैं और ये सब मिला करके जोगिंदर तिवारी को इन्होंने अर्श से एकदम मैंने फर्श से अर्श तक पहुँचाया। और इस खेल के बाद हमको लगता है कि जैसे सब चीज़ इन लोगों के फेवर में रहा तो फिर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसे का खेल ये लोग करेंगे दारू से और दारू से ही इलेक्शन जीतने का पूरा इंतजाम हो रहा है। एक सवाल और आता है, आपने बताया सर कि नौकर के नाम पे है, ड्राइवर के नाम पे है, ये रिटेल काउंटर जो भी बनाया गया है, तो क्या इन लोगों ने अपना जो कहते हैं इनकम टैक्स भरा है, क्या जांच हुई इसकी कि जो ड्राइवर 25 लाख रुपए कहाँ से ला रहा है, 30 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से ला रहा है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न का कोई फाइल मांगा गया था, कोई ऐसा आपके पास है? देखिए, हम लोगों ने डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स को भी पार्टी बनाया है और हम लोगों का प्रेयर है कि भाई ये जो संस्थाएं हैं जो एमजी रोड पे स्थित हैं, कम से कम ये चीज़ तो देखें, क्या ये देखना भूल गई हैं कि इतना इतना पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है और शेल कंपनी से कलकत्ता से आता है और पैसा 10 तारीख के बाद पहुंचता है और 26 तारीख के पहले निकल जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी है। और ये रिपोर्ट सबमिट करें, हमारा डायरेक्शन हम लोगों ने मांगा है कि डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स जो है रिपोर्ट सबमिट करे हाईकोर्ट में कि कैसे ये इतना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता रहा और आप लोग देखते रहे इस पे। आमतौर पर देखा जाता है सर कि ये जो आपने जो बताया कि पैसा एक जगह से चला और बहुत छोटे जो सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा आया और अचानक से पैसा मूव कर गया, जो ठेकेदारी के लिए फॉर्म भरना था या जो भी टेंडर डालना था उसके लिए, तो ऐसे में बैंक को इसकी जानकारी जो देनी होती है, आगे बढ़ाना होता है, क्या बैंक का रोल इसमें आपको दिखता है कि बैंक चुप रही? देखिए, बैंक का 100% रोल है इसमें। जो भी मिहिजाम, जामताड़ा और दुमका के बैंक है जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% बनती है वहाँ के मैनेजर्स की कि क्या उन्होंने इन्फॉर्म किया। जब आप और हमारे जो है अकाउंट में 2 लाख से ऊपर आता है सेविंग अकाउंट्स में, तो उस केस में तुरंत ऑटो अलर्ट दे देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो क्या इन लोगों का जो है वो किनके नाम से आया, कौन कंपनियां काम कर रही थी, उनका क्या बैकग्राउंड था, इन कंपनियों के कौन डायरेक्टर्स हैं, उन कंपनियां किसके कब उनके पैदाइशी है, पीछे क्या क्या काम कर रही थी, वो सब देखना चाहिए। हम लोगों ने ईडी को भी इसमें पार्टी बनाया है और सीबीआई को भी पार्टी बनाया है। तो पूरा जो नेक्सस है जो आपने बताया कि एक आदमी के हाथ में चला गया और उसमें वो एक सिंडिकेट के तौर पे बाकी रिटेलर भी चला रहा, तो इस मिटम जो आपने पीआईएल किया है वो अभी तक कहां तक पहुंचा है, क्या वो अभी एक्सेप्ट हुआ है? हम लोगों ने सभी को कॉपी सर्व कर दिया है, सभी डिपार्टमेंट को, और कॉपी सर्व करके अब इसकी जो है सुनवाई के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और कायदे से ये देखा जाए कि झारखंड कैसे बिक रहा है और दारू के हिसाब से दारू बेच करके उसके पैसे उगाही करके ये सिंडिकेट क्या क्या करेगा भविष्य में, ये हम लोग जो है माननीय न्यायालय के समक्ष लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।